वहाँ कोई भी क्रियाक्रम मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा, ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा, मैं इस सिद्धांत को मानूंगा। सभी मनुष्य समान है, सभी मनुष्य समान। लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है। अभी मेरठ में भी कई बहुजन समाज के लोगों ने, कई हजारों की संख्या में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, तो गुरु जी क्या कहेंगे इसके पीछे मुख्य वजह क्या है जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन भारत देश की बहुत ही जटिल समस्या है और ये हजारों साल से ये चली आ रही है। धर्म परिवर्तन कोई आज कोई नई समस्या नहीं है। ऐतिहासिक रूप से जब हम देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमें इसके कारणों को जानना पड़ेगा। इसके कारण क्या हैं कि हमारे देश के अंदर जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में एक वर्णवाद की व्यवस्था की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो विचार है ये धर्म परिवर्तन को विवश करता है, उन लोगों को जिनके ऊपर जाति के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जाता है, छुआछूत के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जाता है। आप देखते हो कि चार वर्ण हमारे लोगों को पढ़ाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण में कोई जातिवाद नहीं है। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से शादी ब्याह करेगा, कोई परेशानी नहीं है। एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से शादी विवाह करेगा, रोटी बेटी का संबंध करेगा, कोई परेशानी नहीं है। वैश्य दूसरे वैश्य से शादी विवाह करेगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब शूद्र की बात आती है तो शूद्र शूद्र में शादी नहीं करता, शूद्र जातियों में शादी करता है। शूद्र वर्ण को लगभग 6,500 जातियों में इस तरह से बांट दिया गया है कि उनको ये पता नहीं लग रहा कि आखिर हम जा किधर रहे हैं। 6,500 जातियों में किसी को OBC, किसी को SC, किसी को ST, किसी के ऊपर दलित के नाम से अत्याचार किया जा रहा है, किसी के ऊपर ST के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज जो विवाद चल रहा है, रामचरितमानस का जो विवाद चल रहा है, पूरा देश इस विवाद पर चर्चा कर रहा है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसमें सीधा का सीधा मैसेज है कि जैसे ढोल को पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ताड़ा जाता है, ऐसे ही गमार को प्रताड़ित करोगे, ताड़ोगे तो वो ठीक रहेगा, पशु को ताड़ोगे तो वो सही रहेगा, स्त्री को ताड़ोगे तो सही रहेगी। लेकिन गुरुजी वो कह रहे ताड़ना का अर्थ तो शिक्षा है। नहीं नहीं नहीं, ताड़ने का शिक्षा अर्थ नहीं है, क्योंकि व्यवहार क्या हुआ है, व्यवहार देखो ना, व्यवहार की दृष्टि से आप देखिए कि किस तरह से लोगों को पीटा गया है, पीटा जाता है। आप ये देखो ना, एक दलित अगर जूते पहन लेता है अच्छे, उसको पीटा जाता है, अगर मूछ रख ले तो उसको पीटा जाता है, मार दिया जाता है, अगर वो बारात अपनी गांव में चढ़ाए तो उसे पीटा जाता है।
ये पीटने वालों को शिक्षा कहां से मिली है? ये पीटने वालों को शिक्षा इस तरह की चौपाइयों से ही तो शिक्षा मिली है, उनको ज्ञान यहीं से तो मिला है कि इनको पीटो। ठीक है, यही वजह है धर्म, यही वजह है लगातार लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, आप देखो भारत के अंदर जितने भी धर्म आए हैं, क्या विदेश से आए हैं? आज भारत देश के अंदर मुसलमान रहते हैं, क्या मुसलमान बाहर से आए हैं? आज भारत देश के अंदर बौद्ध रहते हैं, क्या ये बाहर से आए हैं? ईसाई रहते हैं, क्या ये बाहर से आए हैं? जितने भी धर्म देश में रहते हैं, क्या वो बाहर से आए हुए हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए अत्याचार को सहन किया है, उस पीड़ा को, उस दर्द को सहन किया है। उन्होंने ये महसूस किया कि ये धर्म, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, इस धर्म में हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा, इस धर्म में हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। किसी ने देखा कि मुझे सम्मान मुसलमान बनने से मिल जाएगा, तो मुसलमान बन गया। किसी को लगा ईसाई बनने से मुझे सम्मान मिल जाएगा, वो ईसाई बन गया। किसी को लगा बौद्ध बनने से मुझे सम्मान मिल जाएगा, वो बौद्ध बन गया। किसी को लगा सिख बनने से सम्मान मिल जाएगा, वो सिख बन गया। लेकिन ये तो कहते हैं कि अब तो सारे सनातनी हैं, वो कोई जात पात नहीं है। आप सनातनी हैं तो सनातनी का मतलब ये तो नहीं हुआ कि एक सनातनी दूसरे सनातनी के ऊपर अत्याचार करेगा। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सनातनी नहीं थे? सनातनी तो वो भी थे। तो जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो बाबा साहब के ऊपर अत्याचार हुआ, क्या उस अत्याचार को दुनिया ने देखा नहीं है? है? बाबा साहब को किराए पर कमरा नहीं मिलता था, ये दुनिया ने देखा नहीं है? बाबा साहब जहां नौकरी करते थे, उन्हें पानी पिलाने वाला चपरासी पानी नहीं पिलाता था, क्या ये अत्याचार दुनिया ने देखा नहीं है? क्या बाबा साहब सनातनी नहीं थे? बाबा साहब सनातनी थे तो उनके उनको ये सब क्यों सहन करना पड़ा? ये कहते हैं कि जात पात ये तो पुरानी चीज बात हो गई ना, अब तो भाई सारे समान हैं, सारे जो बराबर हैं, सब हिंदू हैं बस। तो आज जाति कहाँ खत्म हो गई है? आज जाति कहाँ खत्म हुई है? आप जातियों को खत्म करो ना, जाति तो आज भी जिंदा है। आप ये देखेंगे कि जो भी अत्याचार होता है वो जाति को देख करके होता है। कहां जाति खत्म हुई है? आप मुझे कोई बताते आकर के कि भाई यहां पर जाति खत्म हो गई है? हर जगह जाति के कारण उसको अपमान झेलना पड़ता है। कौन सी जगह अपमान नहीं झेलना पड़ता? एक एमपी चूंकि दलित है, उसको अपना गिलास जेब में रखना पड़ता है, वो सवर्ण लोगों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, वो नीचे बैठता है। आप देखो ना ये क्या हो रहा है, ये जाति के आधार पर ही तो हो रहा है। आप हाथस के एमपी की बात कर रहे हैं? मैं ये नहीं जानना कहना चाहता कि कहां का वो एमपी है। बाकी तमाम ऐसे एमपी मिल जाएंगे, उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। तो ये जाति के आधार से ही तो हुआ है। और सुनो, मैं बता दूं आपको, कोई ये कहता है कि देश में जातिवाद नहीं है, इससे बड़ा भारत देश के अंदर कोई झूठ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा हम सबको जो भारत देश के अंदर रहते हैं उनको सबको सद्बुद्धि दे। लेकिन मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जाति तो कुछ ब्राह्मणों ने बनाई है, कुछ पंडितों ने बनाई है। तो उनको ये बात आज पता लगी है? ये तो वो पहले से भी जानते थे, वो पहले से जानते थे। तो पहले से इस जातिवाद को खत्म करने का, ऊंच नीच के भाव को खत्म करने का, छुआछूत के भाव को खत्म करने का प्रयास क्यों नहीं किया? 75 साल की आजादी के बाद भी ये व्यवस्था खत्म क्यों नहीं हुई? वो लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और आप लोग शोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखो ये जो भारत देश है, इस देश के अंदर तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए भारत देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। क्यों? अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के आधार से
हिस्सा मांगेंगे, तो इससे देश का माहौल, देश की एकता और देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हम मनुष्य बने, अगर हम मानवता के पाठ को पढ़ेंगे और मनुष्य बनकर देश के अंदर रहेंगे, तभी हम एकता और अखंडता को अपनी को कायम रख पाएंगे। तो गुरु, हिंदू जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस दो शब्दों में बताएं, धर्म परिवर्तन जो हो रहा है इसको रोकने का उपाय क्या है? देखो, धर्म परिवर्तन रोकने का एक ही उपाय है कि हम एक दूसरे को समानता का अधिकार दें, एक दूसरे को भाईचारे का अधिकार दें, जिस सम्मान का वो अधिकारी है उसे सम्मान दें। आज आप देखिए, अभी मेरठ में धर्म परिवर्तन हजारों लोगों ने किया है, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। अगर हिंदू धर्म में उनको सम्मान मिल रहा होता तो वो बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार करते, बौद्ध धर्म में क्यों जाते? अगर बाबा साहब को हिंदू धर्म में सम्मान अगर मिला होता तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू पैदा होना मेरी मजबूरी थी, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने लाखों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाया। यह कितना समय बीत गया, तो आज तक उस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास हम लोगों ने करना चाहिए था। वो व्यवस्था हमने कायम रखी, लोग इस व्यवस्था में रहना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि हम बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हम वहां पर सम्मान की जिंदगी जी सकेंगे, इसलिए वो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अगर इसी तरह से जुल्म और अत्याचार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर छुआछूत होती रहेगी लोगों के साथ, तो वो धर्म परिवर्तन करते रहेंगे। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, शूद्र कर रहे हैं, जबकि मोहन भागवत और एक है बाबा चमत्कारी बाबा बागेश्वर, वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबको मिला लेंगे। देखिए, जो हमारे पास भारत है, फिलहाल जरूरत है कि हम वर्तमान के भारत को सुरक्षित रखें, यह सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने देश में शांति और भाईचारे को कायम रखने के लिए हम प्रयास करें, और इसके लिए हमारे प्रत्येक नागरिक को, जो देश से प्यार करता है, देश को एकजुट रखने के लिए हमें कार्य करना चाहिए, सबको मिलजुल करके कार्य करना चाहिए, जब ही हम इस देश के अंदर मिलजुल करके भाईचारे के साथ रह पाएंगे।